आज 5 मई को लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। जानिए कब से कब तक रहेगा असर। आप ऐसे घर बैठे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। तो दरअसल आज 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का असर आज 5 मई की रात 8:42 से 6 मई सुबह 1:03 तक रहेगा। बता दें कि लगभग 4.5 घंटे की अवधि वाला यह ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है। इस ग्रहण को पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण के नाम से भी जाना जाएगा। मालूम हो कि जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चांद के बीच होती है, लेकिन चांद पृथ्वी के सीध में नहीं होता बल्कि उसकी छाया के बाहरी या धुंधले हिस्से से होकर गुजरता है, तो इस स्थिति को पेनुम्ब्रा के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। इसी स्थिति में पृथ्वी की उपछाया चांद पर पड़ती है। बता दें कि यह चंद्र ग्रहण हालांकि भारत में नहीं दिखेगा। कुल 4:18 तक चलने वाला यह ग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण जो है पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। वैसे तो ग्रहण का असर भारत में नहीं रहेगा, लेकिन धार्मिक और जो है पौराणिक बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। सूतक का ना लगने की वजह से यहां पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगेगी। इसके अलावा आप घर बैठे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। झारखंड के मौसम वैज्ञानिक ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। फिर भी अगर आप पेनुम्ब्रा चंद्र ग्रहण का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको timeanddate.com की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लाइव स्ट्रीम के जरिए चंद्र ग्रहण को वेबकास्ट किया जाएगा। timeanddate.com के अलावा आप यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। तो आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसकी शुरुआत 8:42 से होगी और समापन जो है 1:03 पर होगा। यानी कि लगभग 4.5 घंटे का यह चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका असर जो है भारत में नहीं होगा। हालांकि जो है पौराणिक बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं को जो है सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वैसे जो है सूतक काल ना लगने की वजह से जो है यहाँ पूजा पाठ पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड की खबरों को विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट newzharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और झारखंड की खबरों से विस्तार में अपडेट रह सकते हैं।